महाकाल की भव्यता और दिव्यता आदिकाल से आधुनिक काल तक चली आ रही है इस आध्यात्मिक नगरी का जितना आध्यात्मिक महत्व है उतना ही पुरातात्विक महत्व भी है इस बारे में बंसलियों ऐसी बात की जाने माने पुरातत्व विद डॉक्टर नारायण व्यास से महाकाल के महालोक का आज लोकार्पण कार्यक्रम है करीब साढ़े आठ सौ करोड़ की लागत से एक भव्यता और दिव्यता भरा महाकाल का महालोक बनाया गया है महालोक महाकाल की बात करें तो द्वापर से लेकर साल 2022 हजार तक जो दिव्यता और भव्यता है उसका धार्मिक महत्व भी वैसा ही है हमारे साथ आर्कोलॉजिस्ट जाने माने और जा खास तौर से उज्जैन में जन्मे डॉक्टर नारायण व्यास जी हैं उनसे बात करेंगे सर उज्जैन की बात करें तो पुरातात्विक महत्व कैसा है क्योंकि आध्यात्मिक महत्व हम देख रहे हैं कि द्वापर से लेकर दो तक वैसी ही दिव्यता भव्यता आध्यात्म को लेकर रहती है लेकिन इसकी पुरातत्व तो महत्व की बात करें तो किस तरीके का महत्व देखा जाता है पहले तो सभी को नमस्कार और महाकाल बाबा की जय जय महाकाल आज बड़ी अत्यंत प्रसन्नता का विषय है हमारे उज्जैन के हमारे प्रदेश और देश के गौरव के लिए कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का जो लोकार क्षेत्र का जो लोकार्पण हो रहा है महाकाल लोक के नाम से बड़ा विशाल भव्य है जो कि आज आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी होगा इसमें महाकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और शिव के विभिन्न रूपों को हम उसमें जान सकेंगे कि भगवान शंकर के महाकाल तो हैं ही उसके बाद शिव का क्या रूप है वहाँ दिखाया गया महाकाल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि दक्षिण मुखी है वाकई में दक्षिण मुखी है महाकाल यानी कालों का काल महाकाल यानी शिव शिव यानी बिल्कुल सर्व्ञी कहना चाहिए अनादि है अनंत है वो शिव है तो वही शिव हमारे उज्जैन में है वो महाकालेश्वर मंदिर है जो इस पृथ्वी का नाभी स्थल के इस नाम से जाना जाता है और यहाँ इसका जो महाकाल का जो तो दक्षिण मुह मुखी इसलिए है कि दक्षिण में यम का वास होता है और यम का वास होने से क्या होता है कि उज्जैन पे या यहाँ के जो भक्तों पे किसी प्रकार का कोई डर या कोई भय या मौत की ऐसी किसी तरह की डर की संभावना नहीं रहती इसलिए महाकाल है दक्षिण मुखी है क्योंकि उस दक्षिण यम का वास है और महाकाल मंदिर जो बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण माना गया है जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है प्राचीन उज्जैन भी ऊँची और बसी है जब हम देखते हैं कि शिप्रा नदी उज्जैन के तीनों ओर है तो प्राचीन पुराव शेष वहाँ मंदिर के नगर के और सभी वहाँ मिलते हैं महाकवि कालिदास जो विक्रमादित्य के समकालीन थे उन्होंने महाकाल क्षेत्र का महाकाल वन का वर्णन वर्णन किया है कि महाकाल वन वहाँ है महाकालेश्वर को विशाल मंदिर है और मेघ से कहा था मेघ दूत बन के, के तुम उज्जैन जाना हो संध्या के समय जाना जब महाकालेश्वर की आरती होगी और वो आरती का सुंदर वर्णन उसमें महाकाल का किया है और बताया है कि वह क्षिप्रा नदी कलकल कल, -कल बह रही है और विशाल अट्टा लिखा है महाकालेश्वर के आसपास स्थित है और महाकाल का वन महाकाल का मंदिर ऐसा कहते हैं कि ये निर्माण इसका द्वापर युग में हुआ था भगवान राम भी यहाँ आए थे और वो वह उस समय से उज्जैन भी प्रसिद्ध है और महाकाल भी प्रसिद्ध है और पुरातत्व की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर हमें पुरावशेष मिलते हैं वर्तमान जो महाकाल मंदिर हम जो देखते हैं वो मराठा समय में सिंधियाओं के समय में बना था पेशवाओं ने जो उज्जैन का राज्य था वो सिंधियाओं को दिया था उनमें रानो जी सिंधिया थे उनके जो रामचंद्र दीवान मंत्री थे उनके मार्गदर्शन में ये मंदिर बनाया गया लेकिन जब मंदिर बनाया है बनाया वो मराठी शैली लिखी इसके अंदर जो प्रयोग किया गया है पाषाणों का वास्तुखंडों का वो शुंग काल से लगा के अपने मौर्य काल के या उसके बाद तक के अवशेष तो उसमें देखने को मिलते स्तंभ पूर्ण रूप से उसमें महाकाल मंदिर के परमार काल के हैं द्वारपालों पर हम द्वारपाल की प्रतिमाएँ देखते हैं प्रतिहार काल की देखते हैं उसके पहले गुप्त काल के भी कुछ अवशेष है तो उसे तीन चरणों में वो निर्मित हुआ सबसे नीचे महाकाल मंदिर महाकालेश्वर का है उसके ऊपर ओंकारेश्वर है और उसी के नागचंद्रेश्वर है नागचंद्रेश्वर का जो मंदिर केवल महीने में एक वर्ष में केवल एक बार नागवंशी में कोई खुलता है उसके अलावा नहीं खुलता इसलिए इसका मतलब पौराणिक महत्व भी है अभी हाल ही में वहाँ राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा वहाँ उत्खनन कार्य किया गया वहाँ कई मंदिरों के अवशेष मिले जो वर्तमान मंदिर का जो अभी लेवल है वही लेवल आगे तक जाता है तो प्रातत्विक रिसर्च के आधार पर देखें तो किस तरीके से आप लोगों ने रिसर्च की कि हाँ भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे उन्होंने महाकाल में पूजा भी की थी स्त्रोत गान भी किया था ये सब माना जाता है कि उज्जैन में शांतिपनी का आश्रम था महाभारत युग में भगवान कृष्ण सुदामा और उनके भाई बलराम उज्जैन में अध्ययन के लिए आए थे और बचपन में और उसी क्षिप्रा नदी के तट पर ही वो उनका आश्रम रहा होगा क्योंकि वो आश्रम के आसपास हमने सर्वे करके देखा बड़े प्राचीन टीले हैं यदि प्रॉपरली यदि हम उसको उत्खनन करेंगे निश्चित ही उस काल तक हम पहुँच जाएंगे और महाभारत काल के समय क्योंकि एक विशेष प्रकार के बर्तन उस समय बनते थे जिसे हम पेंटेड ग्रेवियर भी बोलते हैं वो उस लेवल में हमें हस्तिनापुर में मिले और हो सकता है यहाँ टीलों का यदि हम पुरातात्विक दृष्टि से वैज्ञानिक पद्धति से यदि खनन करेंगे तो निश्चित ही सांदीपनी आश्रम की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी